लव जिहाद को लेकर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि यह समय की मांग है कि इस पर कड़े कानून बनाए जाएं। उन्होंने कहा, लव जिहाद और धर्मांतरण का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है, इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा, पूरे देश में लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण और अत्याचार किया जा रहा है, इस पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। लव जिहाद के द्वारा व्यापक तौर पर षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लव जिहाद कानून बनाने को लेकर वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आभार व्यक्त करते हैं। यह समय की मांग है और जरूरी भी है। लव जिहाद पर विधानसभा सत्र में कानून लाया जाएगा। रघुराज कंसाना के चुनाव हारने पर उनके भीतर घात के बयान पर पवैया ने कहा कि भाजपा में सभी को अपनी बात रखने का हक है, जो भी बात हो भाजपा संगठन के मंच पर रखें। लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनना ये वक्त की जरूरत है। ये जो अमानवीय कार्य करते हैं लव जिहाद के द्वारा और धर्मांतरण के द्वारा राष्ट्रांतरण की एक प्रक्रिया जो पूरे देश में चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि हमारे राज्य ने पहल की है और ये उम्मीद करते हैं कि कठोर कानून विधानसभा सत्र में लाया जाए। कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बहुत अलग है। अगर किसी प्रत्याशी को ये लगता है कि कोई बात संगठन तक पहुंचाना चाहिए तो उसके लिए उचित मंच है संगठन में। सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने का पार्टी के हित में तो कम से कम कोई अर्थ होता नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।